બજેટ જો સરપંચ સાહેબ બજેટ ગાલિયો રેવાડામાં વધારે ગાલિયો છે અને મેત્રીવાડામાં હું મેત્રીવાડામાં મારી વાત આપણો વોઈ કહો મળે અને દેવાસી જો બેલ્ટ કે વટે કહો મળે સીસી રોડ ભી હુઆ બીજો ખડે કરકે લોકો સે પૂછ લો કે દેવાસીઓ કી 7 ડાણિયા ઓર ચૌધરીઓ કી 20 ડાણિયા રણછોડ જી કે ખુદ ખેત હે ઇનકે રોડ પે યા સીસી રોડ ભી બનાય દૂસરે રોડ પે નહીં બનાય રણછોડ જી બોલ રહે ઇનકે રોડ આપે કાપે કાપે બનાય ખેત કા હે આપે ખેત નહીં બ્રો ભાઈ નહીં કે ગુણવાઈ તો બહોત હે ભાઈ સાહેબ 2 કિલોમીટર હે ઓર આજા કિલોમીટર બની હે 2 કિલોમીટર મેરે કા મેમ્બર થે બીજીપી સે तो उसने उसके घर तक रोड बनाया दूसरा तो पाप ही उन लोगों ने तो वैसे खिलवाड़ किया है तभी खिलवाड़ गोलिया में सीसी रोड की गांव में की सब जगह 5 सीसी रोड की थी तो मेरे को आधा किलोमीटर नहीं कितना 300 फुट है 300 फुट मैंने करवा दिया पटवारी जी वो फोन वो नहीं उठाते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम है पटवारी जी कौन है आप मीना साहब पानी है वो गांव से 1 किलोमीटर की परिधि में ही पानी पहुंचता है उससे ज्यादा दूर दराज की ढाणियों में पानी नहीं जा रहा बसरी व्यवस्था अनेक डॉक्टर वो तो मन खोरो तो ठीक रहता तू ने हॉस्पिटल जाना पड़े धनेरा के रोनीवाड़ा भीनमार जाना पड़े हां मोर तो सीज ने की बरी ना सुगा बराई होए हो परसेंट गणन मोर तो नहीं तो उपस्वास्थ्य केंद्र की मैं समस्या तो है ये नाम लगी हुई है लेकिन बैठने की जगह नहीं उनका छोकरा भणवा जाए पण मैं छोकरो कगा ही नहीं आवतो कोई नहीं आवतो नहीं नहीं है पता ही नहीं है सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है थोर छोकरा स्कूल थी घरे आवे आतो थी कोई क्यों के छोकरा भड़ो के खाओ बढ़ाई के तो मेरे बेटे भड़ो आज तो मोबाइल हाथ में इस वक्त हम राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पर सटी एक पंचायत जिसका नाम है मैत्रीवाड़ा वहां पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हरचंद राम देवासी समेत जो मैत्रीवाड़ा गांव के ग्रामीण हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे इस गांव में क्या डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं कितने विकास के कार्य गत 4 वर्षों में हुए हैं इनके कार्यकाल के दौरान और किन किन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ है इन सारे विषयों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ग्रामीणों से और आपसे भी निवेदन है आप भी हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे नए चैनल की सदस्यता लें और अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपके गांव में भी किस किस प्रकार की समस्या है क्या क्या समस्या है वो भी आपके कमेंट बॉक्स में इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके गांव में जल्दी ही पहुंचे हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि हरचंद राम जी हैं हरचंद राम जी 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है कितने विकास कार्य आपने किए इस गांव में और सरपंच बनने से पहले आपने क्या वादे किए थे वो वादे कितने पूरे आपने अभी तक किए जी सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप गांव तक पहुंचे इसलिए लोगों की समस्या है वो आगे तक पहुंचे हमने जो भी है काम शिक्षा विभाग के अंदर स्कूलों के अंदर जो भी चार दीवार निर्माण कार्य पड़े थे बाकी उनको पूरा करवाया है सीसी रोड बनवाए हैं और छोटी मोटी समस्या है उनको सॉल्व भी किया है परंतु मैत्रीवाड़ा हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र सेक्शन हुआ है अभी तक बना नहीं एक है पशु चिकित्सक केंद्र है वो भी अभी तक बना नहीं सेक्शन हुआ है वो भी बड़ा है और आंगनवाड़ी केंद्र भी मैत्रीवाड़ा अभी तक नहीं बना है और हम जल जीवन मिशन योजना के तहत मेरी ग्राम पंचायत के अंदर काम चल रहा है एक साल से लगभग ढाणियों के अंदर पाइपलाइन कनेक्शन सभी जगह जुड़ गए हैं पानी की अब समस्या चल रही है पानी 50% मैत्रीवाड़ा में ढाणियों में पहुंचा है और रसवाड़ा में अभी तक पानी चालू करवाना है चालू नहीं हुआ है और 50% आगे जो लोग रह रहे हैं वहां पानी नहीं पहुंच रहा है उनके लिए भी हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि हर ढाणी तक कैसे भी करके लोगों को पानी पिलाया जाए सरपंच साहब ने कहा वो काम इस गांव में हुआ है काम तो हुआ है पानी है जैसे पानी बेरो पे नहीं पहुंच रहा है लास्ट पे बेरे में पानी नहीं आ रहा है कनेक्शन लगा पड़ा है बाकी सड़कों का निर्माण यहाँ पे हुआ है सड़कों को भी बहुत प्रॉब्लम है छोटी छोटी सड़कें या बड़ी सड़कें बड़ी सड़कें में भी प्रॉब्लम है और छोटी छोटी जो घर तक जाती है उनकी भी समस्या क्या कुछ कहूंगे सरपंच साहब ने कहा हमने इतना काम करवाया पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल की इन्होंने अपना लेखा जोखा दिया आपकी क्या राय है आपके क्या विचार है सरपंच साहब के विचारों के साथ सर ये काम तो बहुत अच्छा हुआ है लेकिन अभी 2 सड़कें नहीं बनी है मैत्रीवाड़ा से मारुवाड़ा सड़क टूट गई है बीच में 2 जगह पे टूटी हुई पड़ी है और नदी नाले के ऊपर में काम पूरा बाकी पड़ा है मारुवाड़ा तक रतनपुर का सड़क है डोमर वो भी टूटा हुआ पड़ा है वो थोड़ा कम ही है 2 किलोमीटर है उसमें भी टूटा हुआ पड़ा है बाकी तो काम सब अच्छे है ये सरपंच साहब ने कह दिया जो बाकी काम है वो उसका तो यही है और कोई ग्रेवल सड़क भी बाकी है
तो वो भी अधूरी पड़ी है, जो धीरे धीरे होता है जो काम होता है वो। और कोई छीछी रोड का काम है, बारिश में लड़के स्कूल तक नहीं आ पाते हैं, उसमें गदा बहुत होता है, तो उसका भी नहीं हुआ अभी तक काम। दो तीन बार लिखवाया था हमने, तो वो काम करवाना। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राम है, उनसे अब निवेदन रहेगा कि अब आप गांव के लोगों से बातचीत करें। गुमान सिंह जी संभालिए बगैर। नमस्कार, हैं मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, जिसके जिसमें यहाँ पे 2500 वोटर की तादाद है, और इनका एक दूसरा गांव जो हर्षवाड़ा है उसमें 2200 वोट है। टोटल 5000 के आसपास वोट है इस ग्राम पंचायत में, और काफी समस्याएं हैं और साथ में काम भी हुए हैं पंचायत की तरफ से। तो इस डिटेल इसको लेने के लिए, हालचाल लेने के लिए हम आए हैं, तो पूछेंगे गाँव वालों से कि क्या उनकी है, बताइए मुख्य समस्या क्या, बताइए क्या नाम सर। नमस्ते, मेरा नाम आसुराम देवासी है जी। जो हमारे गांव और ढाणी के अंदर जो खासकर तो घर कलेक्शन की लाइट थी, बाकी पड़ी है वो घर कलेक्शन दिया जाए, बाकी छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा, समस्या लाइट की ज्यादा है, इसलिए आपसे अवगत कराते हैं आगे पहुंचा। ढाणियों में ग्रेवल सड़क सब जगह है कि नहीं, या कम है या सब जगह है? नहीं, ग्रेवल सड़क तो बनी हुई पर टूटी हुई, नई सेक्शन दी जाए। अच्छा, आपके ढाणी में पानी आ रहा है? पानी नहीं आया, अभी चालू नहीं हुआ है। मैं हमारे हर्षवाड़ा गांव के अंदर तो जोड़ दिया पाइप, आपके पाइपलाइन तो जोड़ दिए, पर पानी अब सप्लाई नहीं चालू की है। अच्छा, मुख्य समस्या बताइए गांव की। सर मेरा नाम बलवंतराम राणा है, मैत्रीवाड़ा का निवासी। बार बसाव में ये रास्ता है, जितना ग्रेवल सड़क है वहाँ पे झाड़ियों के बहुत परेशानी है, और रास्ता भी टूटा हुआ है सब सड़कों है। ये मंडाड़ी वाला रास्ता जो आप कह रहे हैं सब, ये कैसी है इसकी स्थिति है? ये बाले में टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ कमी महसूस होती है कुछ इस चीज की? स्कूल में जाते हैं, स्कूल में मास्टर वगैरह थोड़ी कमी है, थोड़ी समस्या रहती है। गांव के बच्चे यहाँ स्कूल जाती है पढ़ने, या उनके कोई समस्या है कोई? गांव के बच्चे अभी जाते हैं, और थोड़ी दूरी पड़ती है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ बच्चियाँ वहाँ भी जाती है। गांव में दवा कौन है? दवा कौन सा नहीं, कौन समस्या बताओ? दवा खाना नहीं है, दवा बीमार वो रहीं जाओ क्या दरवानी वाले क्या गुजरात और दूर पशु तो डॉक्टर गुजराती लाओ। डॉक्टर पोस्टिंग है गवर्नमेंट, सरकारी डॉक्टर है ना? पशु डॉक्टर आवे देखियो नहीं, मैं तो मेन आप समस्या का गांव रिवर मेन तो समस्या सा ये 3 किलोमीटर मार दानी पड़ती है। अच्छा, टूटा हुआ रोड पड़ी सब। आप सरपंच से क्या अपेक्षा रखते हैं कि अभी और क्या काम बाकी है गांव में? सरपंच कर रहा है, और एक पानी की समस्या है, बिजली बाकी चाहिए, लाइट भी कम्प्लीट। पानी की समस्या राज्य सरकार की स्कीम है, तो आप मतलब आप क्या मतलब पानी की समस्या जुड़ा हुआ है? हाँ, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। ये जो नई स्कीम आई है जल जीवन वाली, उसमें आपकी ढाणी जोड़ दी है? ये पानी तो आ गया, पाइप जोड़ दी है, पानी नहीं है। सरपंच साहब, ये पानी की जो ये जो प्रेशर की समस्या, क्या समस्या है? जी साहब, प्रेशर की समस्या ये है, जो टंकी पहले बनी वो गांव डीप में था, गांव डीप में होने के कारण अब जो खेतों की लंबाई 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर पे दूरी ढाणी पे है, वहां तक पानी ये टंकी प्रेशर नहीं कर रही है। मतलब टंकी 100 फीट के मतलब और है, परंतु वो टंकी का पानी वहां तक लोगों के यहाँ नहीं पहुंच रहा है। अवैध कनेक्शन की शिकायत तो नहीं है? अवैध कनेक्शन ऐसे कोई नहीं हुए हैं अभी तक, तो 50% लोगों के यहाँ तो पानी पहुंचा दिया। हम मेहनत करते हैं दिन और रात, ये भी कैसे हर हालत में कैसे भी करके पानी लोगों का पहुंचा जाए। और ग्रेवल रही बात ग्रेवल सड़क की, ग्रेवल सड़क मतलब नरेगा के अंदर सब बनती है, इसमें क्या हुआ कि चार साल पहले बनी हुई और बिपरजॉय तूफान के अंदर ज्यादातर वो पानी बहा, इसलिए वो रोडें खराब हो गई थी, फिर 5 साल के बाद में ये रोडें सेक्शन होती है। ओके जी, आपके गांव से उपखंड मुख्यालय में जाए गुजरात जाने के लिए कोई बसेस सरकारी बसों की सुविधा है? यहाँ से नहीं है, गांव से नहीं, चौकी से जाती है। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप राज्य सरकार से, जनप्रतिनिधि से, बस हमारे आपके गाँव में रानीवाड़ा तक भी जाने के लिए बस नहीं आती? और नर्स की सुविधा है? हाँ नर्स, तो आप उनसे संतुष्ट है स्वास्थ्य सेवाओं से? आपकी डिलीवरी महिलाओं के माँ होती है, तो कहाँ जाते हैं? रानीवाड़ा और गुजरात जाते हैं। अच्छा, इतनी सुविधा नहीं है यहाँ पे। राज्य सरकार से अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप गाँव को, गाँव के विकास को लेकर? गाँव का तो ये है कि एक तो रोड में ज्यादा तकलीफ तो रोड की है, सब रोड टूट गए तूफान के कारण, जब पूरे बीच में से रोड कट गई है। सरपंच साहब का कैसा कार्यकाल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सरपंच साहब का। मां नरेगा में कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई प्रकार का
दूसरे गाँव से शिकायत आती है, आपके यहाँ से कोई शिकायत नहीं है? और क्या अपेक्षा करते हैं इनकी? इनका काम ये सब अच्छे तरह कर रहे हैं। और वो पटवारी जी, वो फोन वो नहीं उठाते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। पटवारी जी कौन है? मीना साहब है कोई। तो क्या पटवारी की कोई समस्या आती है, कोई करप्शन में या कोई मीटर से भराने में कोई पैसे वैसे भ्रष्टाचार की? वो तो सर बहुत उसकी समस्या है, फोन नहीं उठाते हैं, कोई काम का टेंशन नहीं करते, बिना पैसे करते हैं या पैसे लेके करते हैं? नहीं पैसे वैसे तो मैंने तो दिए नहीं, मेरा एक दोस्त है वो दो तीन बार गया था उधर। तो मैं अभी और रविंद्र जी को वापस देता हूँ कुछ सवालों के लिए। तो मैत्रीवाड़ा ग्रामीणों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में दुकाराम जी निवासी हैं, इनकी उचित मूल्य की दुकान है मैत्रीवाड़ा में। लोग आपके पास में आते होंगे, किस तरह से आप रेस्पॉन्स, क्योंकि कई गांवों के अंदर उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित बहुत सारी शिकायतें आती है। हम उनको पहले सूचित करते हैं, जब भी वितरण शुरू करते हैं तो उनको एक ग्रुप बनाया हुआ है, उनमें उनको सबको मैसेज कर डालते हैं कि भाई आज से राशन की दुकान पे राशन वितरण हो रहा है, आप अपना आके ले जाए। और वो आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री वाली, तो फ्री में वितरण करते हैं, तो टाइम पर ले जाते हैं वो आके। कोई रहता है फोन करता है तो उनको आके दे देते हैं। ये मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे एक राशन की दुकान है या फिर हरसवाड़ा में? हरसवाड़ा में लगे दो दुकान है, मैत्रीवाड़ा में एक, मैत्रीवाड़ा एक हरसवाड़ा। क्या शेड्यूल रहता है, महीने में एक बार? हाँ महीने में एक बार। शेड्यूल महीने में एक बार। हमारे साथ में ग्राम विकास अधिकारी हैं महेंद्र कुमार, उनसे बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, पटवारी जी की शिकायत आ रही है, लोग शिकायत कर रहे थे लेकिन आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो है, पटवारी जी का जो हेडक्वार्टर है वर्तनपुर है, यहाँ हमारे हरसवाड़ा में मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत में दो पटवारी लगते हैं, एक राजेश्वर ग्राम हरसवाड़ा है जो कूड़ा सर्कल में आता है और दूसरा है जो रतनपुर में आता है मैत्रीवाड़ा, इसलिए ये दिक्कत रहती है। हालांकि पटवार मंडल हमारा बन चुका है, सरकार अगर पोस्टिंग देती है नई पटवारी को, नई सर्कल तो यह बन गया है, ये तो ये समस्या का भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। लोगों की आपके पास में, आप यहाँ पंचायत में बैठते हो, लोग आपसे मिलते हैं, क्या कुछ समस्या आपको बताते हैं, इस गांव के अंदर मूल महत्वपूर्ण क्या समस्या आती है आपके समक्ष? हाँ महत्वपूर्ण समस्या हमारे यहाँ अभी वर्तमान में तो जल जीवन मिशन की बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि पानी है वो गांव से 1 किलोमीटर की परिधि में ही पानी पहुंचता है, उससे ज्यादा दूर दराज की ढाणियों में पानी नहीं जा रहा है, समस्या ये सबसे ज्यादा ये आ रही है। और दूसरी समस्या भी किसान ने मुझे कल भी बताया और आज भी बताया, जो फसलें जो खराब हुई है, कहीं पाला भी पड़ा है और कहीं जो मेला होता है उनसे भी रायडा और जीरा खराब हुआ है, तो सबसे ज्यादा ये समस्या आ रही है, तो बीमे वाली इंश्योरेंस वाली ये जानकारी मिली है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग है बाजी, 2-3 दिन पहला पालो पड़ियो तो मंती मेलो पड़ियो तो कतरो धान बीजो कतरो नुकसान हो? नुकसान तो हुई कतरो कोणो हुए काम काम आवलो तुमके जीरा वराडा? हां कतरो नुकसान हो? नुकसान तो वराडा में तो क्यों माप जो जे? हां कोई लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए, हां 2 लाख रुपए थारे कतरो? हां मैं तो उधर में दी दो। अच्छा उधर दी दो। हां अमूमन पूरा गांव में कतरो नुकसान आप मानो? हां तो हारे तो साहब भरियो ने मो क्षेत्र पे तो। कितना नुकसान हुआ पाला पड़ने की वजह से आपके गांव के? बहुत नुकसान है सर, पाला की वजह से फसल खराब है सर, जीरा रायडा। कृषि विभाग का कोई अधिकारी है जी सर? कृषि विभाग नहीं 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 आए सर। नहीं आए? नहीं सर अभी तो कोई नहीं आया। नहीं आया सर। आपने शिकायत की? नहीं सर। आपने अभी तक शिकायत नहीं की? हाँ कुछ लोग हैं उनसे और भी बात करने की कोशिश करेंगे। विद्युत विभाग की कितनी क्या इस गांव के अंदर समस्या है और आप किस तरह से विद्युत की सप्लाई पूरे गांव के अंदर करते हो, क्योंकि आपकी नौकरी जीएसएस पे है? ठीक साहब, सब पत्रकार साहब ने सबने राम राम में गणगणा। नमस्कार साहब, जीएसपी लाइट तो टाइम शुरू देते हैं, लोगों को पूछ लो जीएसपी लाइट के बारे में तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या आए तो लोग बोल सकते हैं कंपेरेटिवली। हमारे गाँव में एक ही समस्या है, लोग दूर दूर बैठा इनके पानी नहीं जा रही, ये समस्या बहुत है। जो हमारी पंचायत के अंदर काम एकदम टकाटक चल रहा है, मस्त काम चल रहा है हमारी पंचायत के अंदर। पानी की समस्या है? पानी की समस्या है, बीजी कोई समस्या नहीं है। घर घर कनेक्शन हो गया? घर घर कनेक्शन तो हो गया है। हाँ। पर किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी जा रहा है, आगे नहीं जा रहे, लोग बैठे परेशान हो रहे। अपने विद्युत के कनेक्शन हो गए सारे गांव में? विद्युत का बाकी है, सिंगल फेज का बाकी पड़ा है। हाँ लोगों को हो गया हो तो फायदे रहते साहब, अजगाड़ो बहुत बच्चा पढ़ाई में कमजोर निरोध। कोई पशु बीमारी है? पशु बीमारी साहब है, हाँ पशु बीमारी है, डॉक्टर है, वैक्सीन दे रही है। हाँ। सरकारी डॉक्टर है। अबार जैसे मेड़ा और कई गांव और मोए मो पका और खुड़ पका रोग ले रही है, वो सब नुकसान कोई नहीं हुआ जी? हाँ जी नहीं हुआ, टीकाकरण कुछ चालू है, डॉक्टर डेली आवे है सरकारी, वो टीका लगा भी रही है। काला जी बस की सुविधा नहीं, रोनीवाड़ा एंड धोनेर जानो बस नहीं मिलती साहब? बस नहीं है, मेन समस्या हो के बस नहीं है, खड़ा करना पड़े साहब। जर मेन समस्या हो बस की व्यवस्था, हाँ एक डॉक्टर वो तो
मन खोरो तो ठीक रहता तो ने हॉस्पिटल जाना पड़े धनेरा के रोनीवाड़ा भीनमार जाना पड़े पूरी तकलीफ है साहब। नमस्कार। मेन रस्ता साहब है टूटा पड़े सब। हाँ गाँव में खाडा पड़ा है बहुत। हमारे साथ में युवा साथी है, दो गांव लगते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर मैत्रीवाड़ा और साथ में एक बड़ा गांव है अरसवाड़ा। किस तरह से पढ़ाई का यहाँ पे माहौल है? पढ़ाई का माहौल ठीक है, पढ़ाई के लिए जो पोस्टिंग है टीचरों की वो भी खाली है। अरसवाड़ा अभी भी नई स्कूल स्वीकृत हुई है बारहवीं तक, वाइस स्टाफ की कमी है, अभी तक नए स्टाफ सरकार की तरफ से लगाए नहीं गए इसलिए पढ़ाई की थोड़ी कमी है, बाकी ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई का कैसा माहौल है यहाँ पे? बच्चों का पढ़ाई का लेवल बढ़ा है बारहवीं स्कूल होने के बाद। अच्छा, पहले यहाँ बारहवीं नहीं थी ना? पहले बारहवीं नहीं थी, आठवीं थी। अच्छा, आठवीं थी। आप यहाँ से प्रतिदिन कॉलेज जाते होंगे तो दिक्कतें आती है आने जाने की दिक्कतें आती है, बसों की सुविधा नहीं। अच्छा, कोई सरकार से डिमांड यूथ होने के नाते? ये क्षेत्र गुजरात के समीप से, यहाँ से रानीवाड़ा की दूरी समथिंग 17-18 किलोमीटर है, दिन के अंदर एक दो बसों की सुविधा होनी चाहिए। और भी हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करने तो कोशिश करेंगे युवा साथी है। वे रहता है गोमे का समस्या है? समस्या तो मोर तो सीजन की बड़ी ना सुगा बराई होय हो परसेंट गण मोर तो जणी कतरो कतरो नुकसान होय हो परसेंट पूरी पूरू काम लिया वो थोड़ा काम है वो तो एमे गियु। अच्छा काम काम तो का मजदूर गिने आती मेलो पड़ियो पालो घणो मेलो पड़ियो जीरो खाद दोरो शर्मो हेलियो जीरो ही बड़ियो रायड़ो बड़ियो गौ में नुकसान अन एड़ा ही गया प्राणे बारिश आई तो बस में मणमे। अच्छा अठे काम काम धोने ते काम का होवे धोन तो एड़ा भाई रायड़ो जीरो गेहूं इसबगुल सब होता है। सरपंच साहब हमारे साथ में वापस बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब आपने सुनी हमारी पूरी पंचायत की चौपाल और ग्रामीणों ने समस्याएं बताई कुछ, उसको लेकर आपके आपके पास अभी एक साल का और कार्यकाल है, किस तरह से उनका समाधान करने को आप कोशिश करोगे? जो भी है ग्रेवल सड़क है बाकी पड़ी है बीपरजो में टूटी थी और मेरे कार्यकाल से पहले बनी थी, हमारे कार्यकाल से पहले बनी थी, उनको अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, हम वापस इनको सेक्शन निकलाएंगे। और रही बात एक मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध आपके माध्यम से आप बात करें कि जो डामर सड़क बनी हुई है वो हमारे पंचायत के अधीन नहीं है और वो पीडब्ल्यूडी के ऊपर जो रोड जा रही है वहाँ पे बबुल के पेड़ इतने हो गए जो हादसा हर टाइम हादसे की संभावना रहती है, इसलिए आप ये बात पीडब्ल्यूडी विभाग तक पहुंचाए कि बबुल के जो पेड़ हैं वो सब हर डामर रोड पे जो खड़े हैं वो कटवाया जाए। सरपंच साहब यहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति है क्या? नहीं है, नहीं है, मैत्रीवाड़ा में नहीं है, इनकी झाकड़ी है और मेरे अरसवाड़ा का गांव है वो कूड़ा में। तो इस गांव के अंदर ऋण से संबंधित लोगों को काफी शिकायतें होंगी? हाँ ऋण के संबंधित वो क्या झाकड़ी जाना पड़ता है वहाँ से होते हैं और अरसवाड़ा के लोगों को कूड़ा जाना पड़ता है वहाँ से करवाते। अच्छा जी, ये प्रमुख समस्या है? हाँ प्रमुख समस्या है ये, अलग सेवा सहकारी समिति अलग हो जाए तो हमारे लिए ग्राम पंचायत की अच्छी बात है। और कुछ समस्या आप बताओगे, क्या कुछ समस्या गांव के? गांव में तो बस एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र की मेन समस्या तो है, एनएम लगी हुई है लेकिन बैठने की जगह ही नहीं है, दूसरी आंगनवाड़ी नहीं है, बाकी ग्रेवल सड़क है, ये जल मिशन वाला ने जो काम किया पूरी की पूरी ग्रेवल सड़क खराब हो गई है। हाँ तो आगे से भी वो सेक्शन हो जाए तो गांव में बिजली समय पे आती है? बिजली तो आती रहती है। हाँ बाकी तो कोई आपने गांव में प्रमुख समस्या बताई जैसे पानी नहीं पहुंचते अलावा क्या समस्या है? बस पानी से बिजली तो को लाइट तो नहीं आवे और बिजली तो रोड बिजली सही से को मतलब आप क्यों ना भाई डोमर डोमर माथे को मतलब झाड़ भी बैठा है झाड़ी कटा और वो बात तो सरपंच बराबर है। हां अलावा अन्य अलावा कोई वीर समस्या बीजे तो कहो एक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं है कमरा सोसाइटी होम में नहीं है? हां सोसाइटी नहीं है ना स्वास्थ्य केंद्र नहीं। अच्छा कोई कमी है बीजे तो पहला आपरे रतनपुर जानो पड़तो रतनपुर मार्ग पहला रतनपुर जानो रतनपुर मैत्रीवाड़ा पंचायत वाणी वर्ती कतरो फायदा मळे आप? फायदा तो है जन बिल्कुल फायदा तो ना ज्यादा लंबो जानो पड़तो। हां एक तो 5 किलोमीटर जानो पड़े एक गोम में तो फायदा तो है। सरपंच साहब का कार्यकाल केड़ो? सरपंच बढ़िया है हमें हुआ देर को ठीक है ना ना बढ़िया काम कर लिया बिल्कुल काम में कोई भूल नहीं है और जातिवाद करी तो बस आवर टाइम में भरे भाई करता तो करता नहीं पर करता है तो काम मतलब यो है देखो जो बजट जो सरपंच साहब बजट गाली हो रेवाड़ा में बजट गाली हो
ठीक है। अरे मैत्रीवाड़ा में मैत्रीवाड़ा में मारी वादा बड़ो वही कौन मिला देवासी और जो बेल्ट है वटे कौन मिला सीसी रोड भी हुआ अभी जो खड़े नहीं हुआ मार गांव में जी को चार दीवार निकालनी है नहीं निकाली वे बड़ा पस्ता राखियो पर नहीं निकाली फिर गांव सरपंच साहब जातिवाद का आरोप लग रहा है। देखो ऐसी बात नहीं है जो हमने मेरी बात सुनो यहाँ लोग सभी खड़े हैं जो तीन दो तीन चार बड़े अच्छे काम किए हमने अब वहां देखना है तो आप देख सकते हो वो देवासियों के कोई नहीं है देवासियों की पांच टाणी है इनके आगे जो चौधरियों के रहवास है ये चौधरी मतलब रणछोड़ जी चौधरियों के घर भी इनके रास्ते पे मतलब 20 घर है और देवासियों के 7 घर है और आगे प्रजापत भी है लोहार भी है जिस रास्ते पे हमने काम करवाया है वो मतलब आप वहां जाकर के लोगों से पूछ लो कि देवासियों की 7 डाणियां और चौधरियों की 20 डाणियां जो जिस रास्ते पे हमने काम करवाया है और जो भी है सरकार की स्कीम है हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर जितने जो भी ये काम है जितने हो सके इतने करवाए हमने मतलब जितनी हो सके इतना काम करवाए भाई गांव तो गांव छोटा हो जो बाउंड्री बनी सही है सीसी ब्लॉक है वो तो बोलना चाहिए वो तो 4 साल में करवाया नहीं सरपंच साहब ने कहा 1 साल का कार्यकाल मेरे पास है तो मैं करवा दूंगा तो करवा देंगे तो ठीक है देखेंगे तो धन्यवाद दूंगे तो धन्यवाद देंगे तो गांव का काम है हमारे थोड़े काम है तो गांव वाले भी कहेंगे कि सरपंच ने अच्छा काम किया है वो थोड़ा हरसवाड़ा के इसलिए हरसवाड़ा में तो वो क्यों का वो उसका गांव है उस हिसाब से उसने ज्यादा करवाया में है तो वो लासीवाल मार्ग पे है वो सभी के लिए वो देवासियों के खेत है वहाँ दूसरी जाति के खेत होते तो वो भी होता लोगों की समस्या आ रही थी खिलवाड़ नहीं किया है ऐसा कोई के भाई देवासियों का देख के किया है ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं किया है। उन्होंने हरसवाड़ा की बात की देवासियों की बात नहीं वो हरसवाड़ा और देवासियों की उन्होंने बताया कि देवासियों का काम ज्यादा हुआ है हरसवाड़ा में वो है जो कि लासीवाल मार्ग पे है वो सभी के सांसोर तक जाती है उस मार्ग पे काम हुआ है तो उसके बारे में साहब रणछोड़ जी की भी यानी सीसी रोड बना इनमें इनका खेत है रणछोड़ जी का खुद खेत है इनके रोड पे या सीसी रोड पे बना है दूसरे रोड पे नहीं बना है रणछोड़ जी बोल रहे हैं कहाँ पे बना है खेत कहाँ है आपका खेत नहीं है गुणवाई तो बहुत है भाई साहब 2 किलोमीटर है और वो आधा किलोमीटर बनी है 2 किलोमीटर है मेरे का खेत तो एक्सीडेंट हुआ है 3 बार उस तरफ 3 बार एक्सीडेंट हुआ है बाल बाल बसे किसी की जान जाती हुई बसी है ये सर जिला परिषद के मेंबर थे बीजेपी से तो उसने उसके घर तक रोड बनाया दूसरा तो पाप ही रोड नहीं बनाया अभी तक खिलवाड़ हुआ है पहले तो उन लोगों ने तो वैसे खिलवाड़ किया है तभी खिलवाड़ जी का ये कहना है रणसूर जी का ये कहना है कि उस सड़क मैंने जरूर बनाई तो उसके घर तक ही बनाई अकेले के लिए सर तो वहाँ पे सारे लोग चलते होंगे सारे लोग कोई नहीं चलते अकेले के लिए उसके उसके मेरे पास सर नहीं मेरी बात सुनो उस टाइम में गोलिया में सीसी रोड की गांव में की सब जगह 5 सीसी रोड की थी तो मेरे को आधा किलोमीटर नहीं कितना 300 फुट है 300 फुट मैंने करवा दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है तो सर अकेले के लिए तो सरपंच साहब ने भी कोई ऐसी 2 किलोमीटर की सीसी रोड नहीं बनाई है वो भी फुटों पे ही है 100 फीट है 200 फीट पत्रकार महोदय मेरा आपसे एक निवेदन है देखो ये लोगों की समस्या सबको सुनना ही पड़ता है रणछोड़ जी भी हमारे मित्र है इन्होंने कहा परंतु ये जो देवासियों की ढाणी बताई आप जाकर के देख लो मैंने कहा 7 ढाणी देवासियों की ढाणी है जो 7 ढाणी है और 10-12 ढाणी आगे मतलब नहीं 10-12 ढाणी आगे चौधरियों की भी है प्रजापत भी है वो क्या था उस जो मैंने जो सीसी रोड बनवाई ना वहाँ इतनी समस्या थी इतनी भयंकर है कई बार 5-7 बार हादसे हुए थे ताकि वो मतलब बबूल के पेड़ इतने बड़े हो गए थे कि लोग सल भी नहीं सकते थे उस बबूल के पेड़ को हमने काट के रास्ता छोड़ा करवा के वहां सीसी रोड बनवाई है अभी वो लोग आराम से सल रहे हैं। तो ये रतनपुर वाला जो ये डामर है उसमें आपको 2-3 बार का है आपने वो ये जो रतनपुर जो डामर रोड की बात कर रहे हैं वो हमारे ग्राम पंचायत के अधीन नहीं ये पीडब्ल्यूडी का मैटर है और वहां से हम कैसे कटवाएंगे जो रोड टूट रही है पीडब्ल्यूडी की रोड टूट रही है हाँ तो ये वो है लगभग 7 फुट में डोमर है 7 फुट का साइड में चौड़ा कर दिया तो हरसवाड़ा में अच्छा काम हो रहा है काम तो अच्छा हो रहा है हरसवाड़ा नहीं मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत का ही अच्छा हो रहा है केवल हरसवाड़ा का नहीं हो रहा है और हरसवाड़ा में एक बड़ी समस्या है स्कूल है सीनियर सेकेंडरी उसका भवन निर्माण के लिए हाँ ये हमारी मांग है हाँ पोस्ट भी खाली है वहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के शिक्षक हैं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैत्रीवाड़ा में कार्यरत हैं बबूताराम जी चौधरी उनसे बातचीत करेंगे। बबूताराम जी आपके स्कूल के अंदर कितने अभी स्टाफ हैं कितने रिक्त पद हैं और कितने स्टूडेंट आपके स्कूल में अभी अध्ययनरत हैं। हमारे स्कूल में कुल 19 पद स्वीकृत हैं उसमें से 12 पद भरे हुए हैं 5 पद रिक्त हैं और 500 के स्टैंड है और
स्कूल में जो सरपंच साहब ने अच्छा काम करवाया, मैंने स्कूल में डिमांड की थी कि सरपंच साहब बाउंड्री 8 फुट होनी चाहिए, तो एक ही झटके में साहब ने 8 फुट बाउंड्री करवा दी और अभी जो हमारी डिमांड है सरपंच साहब को मैंने अवगत करवा दिए। जैसे खेल का मैदान है, खेल का मैदान उनके लिए भी भेज दिए और प्रार्थना स्थल पर हमने सरपंच साहब द्वारा निर्णय लिया कि डटे लगे और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये जातिवाद के हिसाब से काम करे, ऐसा हमें तो कोई नहीं दिखा। मतलब कितने स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? 500 है सर। 500। कैसा रिजल्ट? कैसा रहा रिजल्ट? हमेशा 100% रहता है, लेकिन अब देखो हमें रात दिन मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, 5 बजे तक स्कूल में रहते हैं और सुबह जल्दी आके एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, लेकिन अब जो विषयाध्यापक है उनका उनके लिए हम डिमांड करेंगे। और एक हमारे यहाँ का जो है ना शिक्षक है वो सांचौर जिले में पढ़ता है और जसवंतपुरा जालौर में, वहाँ प्रतिनियुक्त कर दिया है, ठीक है ना, उनको मैं डिमांड कर रहा हूँ बच्चों की तरफ से कि उनको वापस उनकी जो प्रतिनियुक्ति है वो निरस्त की जाए और जल्दी यहीं पदस्थापित भी किया जाए, क्योंकि उसका वेतन मैत्रीवाड़ा पीओ से बनता है। स्कूल में ज्यादा बालिका है या बालक है? बालिका ज्यादा है, सबसे बालिका ज्यादा है। ये अच्छी बालिकाओं की 300 संख्या है सर और 200 ये बालक। 15 साल का छोकरा बनवा जाए पण मैं छोकरो कगई नहीं आवतो, कोई नहीं आवतो, पता ही नहीं है ना सर, पता ही नहीं है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो स्टाफ की कमी है और मिश्रा जी जो कह रहे हैं ना उनके बच्चे आ रहे हैं, लेकिन 7 दिन में एक ही दिन स्कूल आते हैं, ध्यान देते नहीं है, 7 दिन में एक ही दिन स्कूल आते हैं इनके बच्चे। रमीला को डेली आते हैं मार्सा मार्सा के, एक थोड़े थोड़े जाती बात है, थोड़े फट दिन कम खराब हो, थोड़ा शुक्र सही बना मोरा माला जाए बने बड़ा उनका बने, कोई आती नहीं है सही है ना सब ना मोरे आज 10 साल की बने सरकारी बना मोरे प्राइवेट बनवा है हिम्मत नहीं है। पर मार्सा गांव क्यों है? मार्सा क्यों के मोरा शुक्र रोज आवे थोड़ा शुक्र हाथ में लेकर आवे डेली आवे सब मार्सा के के हाजरी भरो आप से हाजरी भी सब भोग आ तो पे थोड़े शुक्र स्कूल थी घरे आ गई आतो थी कोई क्यों के छोकरो बड़ो के खाओ बढ़ाई के तो मेरे बेटे बड़ो आजर तो मोबाइल हाथ में एक पकड़ा दी पड़े हमारे पास बच्चे 6 घंटे सर हमारे पास बच्चे केवल 6 घंटे आते हैं, 18 घंटे माँ बाप के पास रहते हैं और हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की है क्योंकि 18 घंटे उनके पास रहते हैं। छोकरे बनावा वाह गाँव में वेर का समस्या है कोई समस्या नहीं, हाँ जीरो खातो वो सब पालो पड़ी हो ना बीजो रायरो खातो मेले सब बी बोरी वो रायरो बे सकली हेले जो और पोस्ट बोरी वे तो है आ पूरी समस्या है मेलारी बर्बाद की दबरा अब तो बाले उतर पर ढुके माथा मेला। तो सरकार थी कोई मांग करी शिकायत की? मांग तो कितनी शिकायत थी तो क्यों आ दियो वीमो डेरो वेरो सही जे अभी वीमो डेरो आ रहा जो पटवारी सही लगी है तो आप जे देवा बस सही है पटवारी बात जी रहे वगैरह खेती किसान रे सब तकलीफ रे पूरी कामकाज करो हले गोम कामकाज रोडी रे थे क्या गोम रो मैत्रीवाड़ा रेवाड़े 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 रेवाड़ा रा मतलब आदमी घणा है ना घणा तो नहीं है मैत्रीवाड़ा रा घणा है अन घणा वे तो कोई बोने पंचायत भेली है हां पण फसल हवे खराब हुई पड़ी है जीरो बीजा बढ़िया बनाए पानी पानी बिगर कर पानी की तोणे पानी नर्मदा रोज ने सालू उगो नर्मदा रो सालू कराओ कारण पानी बीजो जे भी सुविधा कराओ मास्टर कम पड़े बीज तो मैं बोल पड़े मन को कही साहब सुविधा नहीं है हां पानी खा रहे हैं पानी फूल कम ही है बीजो को जे रोड है बीज कमी में तो कही है पानी बड़े जाओ जे प्राइवेट गाड़ी में जाओ गवर्नमेंट बस में हां प्राइवेट गाड़ी में हां बस नहीं ना गवर्नमेंट हेड दी नहीं है हां नहीं कोई नेतो नटा नेतो क्यों लोग नेतो तो कणो किया थोरा का मळे किया अंदर वाले आवता ही कोई दे सही है सही है यही बात है प्राइवेट है बस कोई सरकार भी तो है नहीं हां बीजू पे गांव में यो के नल भी जाए पानी पानी के कमी है फुल के कोई नेर वाला पाइप डबे का दोड़ा में लारे कोई पानी पानी आयो नहीं और ओर पसे कोई ने फसल है अनो मई फूल समस्या मेलारी बीजी कोई बो कोई भी पे तो सूचना कम छोड़ जी क्या कुछ कह रहे तो ये ठेकेदार ने जो पाइपलाइन डाली है के वो नर्मदा की इसलिए पानी नहीं जा रहा ढाई की डाल दी उसमें 4 का था पाइप उसने ढाई का डाल दिया तो लंबे 2-3 किलोमीटर पानी नहीं जाता उसमें कनेक्शन कर दिया 30-40 तो पानी कहाँ जाएगा ये प्रॉब्लम है जब आगे पानी नहीं पहुंचता डालने में ये प्रॉब्लम है। ओके क्या कुछ कह रहे थे आप? पानी की समस्या सर पानी मेन पानी है पानी नहीं आ रहा है पानी की कोई छोटी लाइन में होने के कारण 20 कनेक्शन थी एक भी कनेक्शन लाइन तो जगह पानी नहीं जाता है वास्ते थोड़ी पाइप मोटी लाइन मोटी वसावी के तो दगा तक पानी जा सके। हमने प्रथम पंचायत चिन्हित की और वो थी मैत्रीवाड़ा ग्राम पंचायत जहां पर हमारी टीम ने पंचायत चौपाल की। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम जालौर सुरुई दोनों जिलों के प्रत्येक ग्राम पंचायत पे पहुंचकर जो लोगों की समस्या है
जिनका समाधान के लिए हम शासन प्रशासन तक उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। हम जल्दी प्रत्येक गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक गांव में पहुंचेंगे, लोगों की क्या समस्या है, कितना डेवलपमेंट गांवों के अंदर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारी बातों को लेकर हम जल्द हर पंचायत हेडक्वार्टर पर आएंगे। लोगों की आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी पूरी टीम करेगी। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट।